नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रीति। बात करते हैं आज की प्रमुख खबरों की। मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान चक्कर खाकर गिरी योगी आदित्यनाथ की मंत्री स्वाति सिंह। मामूली बदलाव के साथ रिजर्व बैंक जारी करेगा 500 रुपए का नया नोट। बेरोजगारी बढ़ने के आरोपों के बीच अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार के आंकड़े जारी करेगी नरेंद्र मोदी सरकार। कश्मीर में मौलवी उमर फारूक नजरबंद, गिलानी पर पाबंदी जारी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के उपवास के बाद अब कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे सत्याग्रह। लालू यादव बीमार हुए तो बेटे तेज प्रताप ने घर पर लगा दी सरकारी डॉक्टरों की ड्यूटी, मचा बवाल। किसानों के परिवार से मिलने मंदसौर जा रहे हार्दिक पटेल को पुलिस ने हिरासत में लेकर राजस्थान सीमा पर छोड़ा। सड़क दुर्घटनाओं से चिंतित योगी आदित्यनाथ ने कहा, परिवहन नियमों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में खेलते समय टैंक में गिरने से दो मासूमों की मौत। बिहार के मुजफ्फरपुर में सावली दुल्हन से शादी करने से इनकार करने पर दूल्हे समेत बारात को बंधक बनाया। इस्लामिक स्टेट ने रूस और मध्य एशिया में हमले की दी चेतावनी। और इराक में सुरक्षा बलों ने आईएस के 13 आतंकवादियों को मार गिराया। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। ताज़ा तरीन खबरों और अन्य जानकारियों को जानने के लिए आप लॉगिन करें हमारी वेबसाइट www.webdunia.com।